आज की ब्रेकिंग खबर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अगर नहीं किया है तो इसके बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं, लाइक का बटन दबा लें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल, लेकर आए ब्रेकिंग खबरें। बात करते हैं पहले खबर की, तो पहले खबर निकल कर आ रही है अनलॉक 4 से। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर यानी कि कल से अनलॉक 4 शुरू हो रहा है। इसके पहले 1 जून से अनलॉक 1, 1 जुलाई से अनलॉक 2, 1 अगस्त से अनलॉक 3 लागू हुआ था। अनलॉक 4 में मेट्रो चलने की संभावना है। उम्मीद है कि 7 तारीख से मेट्रो चलेगी। साथ ही साथ शादी एवं अंतिम संस्कार वगैरह या ब्याह में कम से कम या अधिक से अधिक कहें कि 100 लोग जो इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ शनिवार एवं रविवार को जो लागू पाबंदी है वो लागू रहेगी। ऑनलाइन कोचिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा और साथ ही साथ स्कूल कॉलेज और होटल अभी भी बंद रहेंगे। तमिलनाडु ने 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया क्योंकि वहाँ पे कोरोना के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, और 9वीं से 12वीं तक कक्षा के छात्र जो अगर चाहें तो स्कूल कॉलेज जाके अपना वो गाइडलाइन टीचर से ले सकते हैं। बात करते हैं अगले खबर की, तो अगले खबर निकल कर आ रही है चीन पर संसद में चर्चा हो, यह कहना है कांग्रेस का। जी हाँ दोस्तों, इस साल मई माह से ही चीन सीमा पर भारत की स्थिति तनाव में है। कई प्रयास भी हुए पर सफलता अभी हाथ नहीं मिली है, लगी है। दोनों देश अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं शांति बहाल को, फिर भी सीमा सुलग रही है। इसी के तहत चीन बॉर्डर सीमा पर मिसाइल तैनात कर रहा है। यह मिसाइल नाकुला एवं डोकलाम में तैनात किए गए हैं, इसकी जानकारी उपग्रह से प्राप्त चित्रों से मिली है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने सदन में उपनेता गोगोई ने सदन में चर्चा करने की मांग की है। तो अगले खबर निकल कर, जनगणना एवं NPR की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इधर कोरोना का कहर जारी है और उधर सरकार हर चीज धीरे धीरे 1 जून से अनलॉक कर रही है। ऐसे में 2020 में प्रस्तावित जनगणना एवं NPR में देरी हो सकती है। ऐसी अटकलें आ रही है कि दोनों 1 साल तक के लिए टाला जा सकता है। अब तक महामारी इसका कार ले चुका है कोरोना, और न इसका कोई वैक्सीन आया है, इसलिए जरूरी है कि जनगणना को टाला जाए। अब अगले खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, खुशखबरी बोली कि सफदरजंग अस्पताल में सर्जरी शुरू। देश के कोरोना में हाय तौबा मचा रखा है, ऐसे में मेडिकल सेवाएं भी बाधित चल रही है। पर अनलॉक 4 में 5 महीने के बाद अस्पतालों में फिर से रूटीन सर्जरी की शुरुआत होने वाली है। केंद्र सरकार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक सफदरजंग अस्पताल है, वहां पे 1 सितंबर से 25% के साथ रूटीन सर्जरी शुरू होने वाली है। इसके बाद एम्स, RMA, लेडी हार्डिंग सहित तमाम हॉस्पिटलों में ये सुविधा बहाल कर दी जाएगी। आशा है मरीजों को अब इससे राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट के, तो पिछले 24 घंटों में देश में जो है रिकॉर्ड 78,512 कोरोना के मरीज बढ़े हैं, और टोटल केस में 36,21,245 हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटों में 971 मौतें हुई है, और अभी तक मौत जो 64,469 हो चुके हैं, और अभी तक ठीक हो गए हैं 27,74,802। और एक्टिव केस की बात करें तो 7,81,975 एक्टिव है। दिल्ली में भी काफ़ी स्थिति भयावह होते जा रही है, इसलिए अब जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब तक जरूरी बाजार नहीं जाएं, घर पर रहें, साबुन से हाथ धोएं, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचें।